Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप VSDC में लोअर थर्ड क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि लोअर थर्ड क्या होता है और बहुत यूज़फुल होता है, स्पेशली नेमिंग के लिए, जब आपका नाम हो या किसी भी हेडलाइन को स्वाइप करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टू गेट ट्रिपल टी टिप्स ट्रिक एंड ट्यूटोरियल, सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। स्क्रीन पे आपके एक UPI ID और एक स्कैनर आ रहा होगा, तो अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो में बढ़ते हैं। सो वेलकम बैक इन VSDC दोस्तों। देखिए लोअर थर्ड होता क्या है। लोअर थर्ड, जैसे ये नीचे साइड में आपका नाम आता है स्टार्ट करते समय या कोई हेडलाइन आती है, आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा हेडलाइन आती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं लोअर थर्ड, ठीक है। अब लोअर थर्ड देखिए बनाने के मैं तीन तरीके बता सकता हूँ। एक तो आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर लीजिए टम्पलेट, ठीक है। गूगल से आप जाइए, टाइप करिए लोअर थर्ड PNG, तो वहाँ पे आपको इस तरह की PNG ले लेना है। आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है, ठीक। हमेशा बैकग्राउंड जो रखना है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो उसमें आपकी जो उसमें ले जाएंगे ना जब आप, तो उसमें आपको दिक्कत करेगा रिमूव करने में, ठीक। तो आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेना है आपको। अगर मान लीजिए आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है तो आपको फोटोशॉप में इस तरह ला के उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर लेना है। अगर तब भी नहीं मिल रहा है तो आप, चलिए मैं PSDC ओपन करता हूँ। पहले फिनिश किया तो मैंने VSDC ओपन कर लिया है। अब मैं उस टेम्पलेट को लाऊंगा जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, उसको पहले मैं बताता हूँ। तो थंबनेल में मैंने अपना डाउनलोड कर रखा, जिससे ये मेरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। तो PNG फाइल मगर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो देखिए ये वाइट है। तो अब आप क्या करेंगे इसको, इसमें आप इसको बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। वीडियो इफेक्ट में जाके ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड रिमूवर होल पेरेंट प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने यहाँ से ड्रॉ कर लिया और क्लिक किया तो ये आपका रिमूव हो गया, ठीक, ये रिमूव हो गया। या तो आप फोटोशॉप अगर आपके पास है या फिर गूगल से आपको PNG मिल जाती है जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने वो फोटोशॉप से बनाया, ये देखिए, तो ये मेरी अभी आपको इसमें ये दिखा रहा है ना कमी, अभी मैं इसको और फोटोशॉप से रिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से और कट कर दूँ, वो जो नोक निकली दिख रही है ना आपको, वो उसमें नहीं दिखेगी। तो यहाँ से आप फोटोशॉप से इसको रिफ़ाइन कर लेते हैं, तो वो उसमें अभी हम रहने देते हैं क्योंकि मेरे को समझाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई वो कंपटीशन नहीं चल रहा है मेरे फोटोशॉप का। तो ये मान लिया आपने बना लिया, अब इसमें आप लगाएंगे इफ़ेक्ट्स, ठीक। एडिटर में गए, आप सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को, एडिटर में गए, वीडियो इफ़ेक्ट्स एंड ट्रांजिशन। तो इसमें इस कंडीशन में मोस्टली जो आपका होता है या तो फेड लगता है या तो आपका वाइप लगता है, ठीक। वाइप अगर मैं करूं होल पेरेंट, ठीक, अब वाइप देखिए, ये तो मैं वाइप में चेंज करूंगा
डोर ना लेके मैं साइड कर देता हूँ, और इसकी ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ 3 सेकेंड। अब इसको प्ले करते हैं, ठीक है। एक तो आप इस तरह इफेक्ट लगा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 सेकेंड पे आपका ये आया, उसके बाद आप यहीं पे 3 सेकेंड के बाद आप टेक्स्ट दे सकते हैं अपना, ठीक है। इसी में आप अपना टेक्स्ट दे सकते हैं, कैम डिज़ाइन, इसमें आपने टेक्स्ट दिया। फॉन्ट वगैरह है, एडिटर में जाके ब्लैक कलर मैंने ले लिया टेक्स्ट का, इसको मैंने यहाँ किया। एडिटर में जाके मैंने इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा दी। अब इस टेक्स्ट में भी आप एक इफ़ेक्ट लगा लेंगे। वीडियो इफेक्ट्स में गए आप, ट्रांजिशन में गए, एंड वाइप, ओके। यहाँ पे आपने लगाया ट्रांजिशन, अब आप इसको फिर से प्ले करिए। ट्रांजिशन वाइप का यहाँ पे बड़ा तेज हो गया, रुको इसमें दूसरा लगाते हैं इफेक्ट। हम टेक्स्ट है, एडिटर में गए हम, वीडियो इफेक्ट्स में गए, ट्रांजिशन में, इसमें हम लेते हैं पुश होल पेरेंट, ओके। अब इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा कम, ठीक है। अब हम प्ले करते हैं, तो ये हमारा लोअर थर्ड आया, अब ये हमारी नेम आ गई। अब इसमें नेम पे अलग अलग तरह से ट्रांजिशन आप बना सकते हैं किसी भी तरह से। अब आप मान लीजिए आप चाहते हैं इस तरह इफेक्ट ना हो, तो दोनों में से आप इफेक्ट हटाइए, ठीक है। दोनों में से आपने इफेक्ट हटा दिया। अब इन दोनों को अगर आप मूवमेंट के थ्रू लाना चाह रहे हैं, मूव करा के लाना चाह रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को एक साइज़ किया और ड्यूरेशन कम ही किया। ड्यूरेशन अब दोनों को सिलेक्ट करिए, कन्वर्ट टू स्प्राइट, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करिए स्प्राइट पे। अब ये देखिए यहाँ से मूवमेंट वाला आपका इनेबल हो गया। कंट्रोल Z सिलेक्ट करिए दोनों को और बाहर लाइए, ठीक है। अब मूवमेंट लगाइए, ओके। ये उल्टा हो गया भाई, कंट्रोल Z करिए पहले, कंट्रोल Z, सिलेक्ट दोनों रखना है, ठीक। अब इसके बाद आप इस वाले लोअर थर्ड को, उसको मोशन को लीजिए और यहाँ पे प्लेस करिए। अब हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये एक इफ़ेक्ट ये भी लगा सकते हैं आप इस तरह से। ये तो हो गया आपका रेडीमेड वाला लोअर थर्ड।
अब आपको अगर बनाना हो तो इसको डिलीट करते हैं हम। अगर आपको लोअर थर्ड बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे आप, मसला ये है। तो देखिए लोअर थर्ड आप इसमें रेक्टेंगल और लाइन टू, यही बस दो टूल हैं। तो आपने यहाँ रेक्टेंगल लिया ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया, और यहाँ से आपने सर्कल लिया, शिफ्ट दबा के, ये सर्कल लिया। तो अभी इस रेक्टेंगल का कलर आप चेंज कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ में गए आपने, कलर चेंज कर लिया, सॉलिड है, आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, ठीक। ग्रेडियंट सेटिंग में जाके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपने एक बना लिया लोअर थर्ड। अब ये एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग है तो नहीं, इसमें ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। अब आपने इस तरह लोअर थर्ड बना लिया, यहाँ पे ला के आप अपना लोगो लगा सकते हैं और इसमें आप सेम प्रोसीजर से नाम वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जो प्रीपेड बने हुए हैं पहले से, उन लोअर थर्ड को आप लाइए और यहाँ पे यूज़ करिए। या तो अगर आप इस तरह बना के करना चाहते हैं डायरेक्टली USDC में तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक का प्रोसेस, इसके बाद का प्रोसेस सिमिलर है जो रेडीमेड में मैंने बताया था, ठीक है। तो आज की वीडियो जो हमारी है इतनी ही होगी। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।